ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 19वां इतवार है। हम लोग एक मकसद के साथ अपने जीवन बिताते हैं। हर कोई अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उसके लिए एक टारगेट रहता है और उसी की ओर देखते हुए हम अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें लगता है कि हम ईश्वर के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हो, तो शायद हम लोगों ने यीशु के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा दी हो। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सोचता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे सारे के सारे प्रलोभन टेम्पटेशन कम होते जाएंगे। एक औरत कहती है, मैं सोचती थी कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा सारा का सारा चिड़चिड़ापन खत्म होते जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है, चिड़चिड़ापन बढ़ता गया है। एक लड़की कहती है, मैं सोचती थी कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाऊंगी मैं ईश्वर का आज्ञाओं को अच्छी तरह से पालन करती जाऊंगी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। क्या आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा होता है? क्या आपको भी अपने जीवन में बहुत सारे टेम्पटेशन दिक्कतें देती रही है? क्या आपको भी लगता है कि हर बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आते रहता है? क्या आपको भी लगता है कि जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उनके ऊपर हमेशा शक करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं? अगर ऐसी बात है, आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। फ्रेडी करीब 15 साल का लड़का नाव चलाना सीखना चाहता है, क्योंकि उनके पापा मछली पकड़ते थे। बहुत इंटरेस्ट था उसको नाव चलाने का। बार बार अपने पापा के साथ वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। एक दिन पापा से कहता है, पापा मुझे नाव चलाना सिखाइएगा। दोनों फ्रेडी और पापा समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही फ्रेडी और उनके पापा नाव पर बैठ जाते हैं, पापा फ्रेडी से कहते हैं, फ्रेडी तुम्हें नाव चलाना सीखना हो तो सबसे पहले नाव के ऊपर जो खंभा लगा हुआ है उसके ऊपर चढ़ करके ऊपर से एक कपड़ा बांधना होगा, जिसके वजह से नाव हवा के प्रतिकूल चलती है। फ्रेडी मान लेता है, जवान लड़का था, धीरे धीरे उस कंबे को चढ़ने लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आधा कंबा चढ़ चुका था, फ्रेडी नीचे देखने लगता है। जैसे ही फ्रेडी नीचे देखता है, उसको चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, विशाल समुद्र। यह देखते ही धीरे धीरे फ्रेडी घबरा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं। फ्रेडी चिल्लाने लगता है, पापा मुझे बचाइए। तब फ्रेडी के पापा फ्रेडी से कहते हैं, बेटा तुम नीचे मत देखो, ऊपर की ओर देखो, लुक एट द स्काई, ऊपर की ओर देखो। फ्रेडी पूरी हिम्मत करके ऊपर देखते रहता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और कंबे के ऊपर तक पहुंचकर कपड़ा बांध देता है, नीचे उतर आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में भी हमें इसी प्रकार की घटना पढ़ने को मिलती है। पेत्रुस प्रभु यीशु की ओर से अपनी दृष्टि उठा लेता है, डूबने लगता है। कितनी बार, जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी बार हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं, हो सकता है कोई
नया प्रोफेशन, हो सकता है कोई नया काम, हो सकता है कोई अपना ही करियर, हो सकता है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करने का एक संकल्प। बेटा अपने माँ से कहता है, माँ आज के बाद मैं मैथ्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा, ट्यूशन जाऊंगा। एक संकल्प लेता है पढ़ाई करने का। परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, मोबाइल हाथ में आ जाता है और पढ़ाई छूट जाती है। जैसे जैसे काम में तरक्की करने लगते हैं, हाथ में पैसे आने लगते हैं, उन पैसों से शराब पीने लगते हैं, काम छूट जाता है। जैसे जैसे बिजनेस में तरक्की करने लगते हैं, दोस्त बढ़ने लगते हैं, पार्टियां करने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं, बिजनेस खत्म होते जाता है। उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पटरी पर वापस आने के लिए उसी प्रकार करना होगा जैसे पेत्रुस ने प्रभु यीशु से कहा था। जैसे ही पेत्रुस उस पानी में डूबने ही वाला था, चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे बचाइए। हमें भी उसी प्रभु के ओर देखना होगा, दृष्टि लगानी होगी, कहना होगा, प्रभु मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार मैं विचलित होते जाता हूं, बार बार मेरा कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, बार बार मेरा आत्मबल की ओर जाता है, प्रभु मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए कृपा प्रदान कर। प्रभु जब भी मैं बिजनेस में आगे बढ़ता हूं, जब भी मैं काम में जाता हूं, नहीं हो पाता है, प्रभु मेरी मदद कर। ठीक उसी प्रकार जैसे नबी एलियस को भी ईश्वर की जरूरत पड़ी थी, रानी जेजबेल नबी एलियस को मार डालना चाहती थी, और जेजबेल से बचने के लिए नबी एलियस भाग पड़ते हैं और वे होरे पर्वत पर जाकर गुफा में घुसकर बैठ जाते हैं अपने जान से बचने के लिए, क्योंकि नबी एलियस ने रानी जेजबेल के बारे में कहा था। रानी जेजबेल मूर्ति पूजा करती थी और नबी एलियस ने उनका विरोध किया था, और रानी जेजबेल नबी के ऊपर गुस्सा करती है, उन्हें मार डालना चाहती है। नबी डर के मारे गुफा में अंदर जाके बैठ जाते हैं, ईश्वर का इंतजार करते रहते हैं, विश्वास धीरे धीरे कम होते जाता है। तब एक दिन उन्हें उस गुफा के सामने से ही बहुत बड़ा आवाज सुनाई देता है। सोचते हैं कि उस बहुत बड़े आवाज में ईश्वर दिखाई देंगे, ईश्वर नहीं दिखे। उसके बाद बड़ा भूकंप होता है, नबी सोचते हैं कि भूकंप में ईश्वर दिखाई देंगे, ईश्वर नहीं दिखाई देते। उसके बाद बहुत बड़ा आग का पानी बरसता है, प्रभु उस आग में भी नहीं दिखाई देते। उसके बाद शांत से हवा चलने लगती है, तब नबी एलियस को पता चलता है कि इस शांत हवा में ईश्वर दिखाई देंगे। वो अपने मुंह पर घूंघट पहनकर गुफा से धीरे बाहर निकलकर ईश्वर से मुलाकात करते हैं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें दिल की गहराई के मौनता में मिलते हैं, ईश्वर हमें दिल की गहराई के मौनता में मिलते हैं। We meet Jesus in the silence of our heart। बहुत शोर शराबे में, बड़े बड़े जोरदार म्यूजिक में शायद ही हम ईश्वर को ढूंढ पाते हो, परंतु जब हम एकांत होकर प्रार्थना करते समय शांत होकर ईश्वर को ढूंढने लगते हैं, ईश्वर हमें जरूर मिलते हैं। हमें भी प्यारे भाइयों और बहनों वैसा ही करना होगा जैसे नबी एलियस ने किया था, कि हमें गुफा से बाहर निकलकर आना होगा ईश्वर से मुलाकात करने के लिए। किस प्रकार के गुफाओं में हम लोग बैठे हुए होंगे? हो सकता है मोबाइल इंटरनेट की गुफा में, हो सकता है हम लोग शराब और अश्लीलता की गुफा में, हो सकता है हम लोग बहुत सारे पैसे कमाने के
दौड़ के गुफा में फंसे होंगे, अंदर गए होंगे। हमें वहां से बाहर निकलकर आना होगा, प्रभु का मुखमंडल देखने के लिए प्रभु को खोजना होगा। चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितना भी जोर जोर की आंधी क्यों ना आ रही हो, चाहे हम कितना भी बीमार अस्वस्थ क्यों ना हो, जब हम पूरे आस्था के साथ विश्वास के साथ प्रभु की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए प्रभु को ढूंढने लगेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, जरूर प्रभु हमारी मदद करेंगे। आमीन।